सीतापुर कोतवाली इलाके लहरपुर के अंतर्गत नगर चौकी क्षेत्र के मोहल्ला नई आबादी कटरा में बीती रात करीब 2 बजे संदिग्ध परिस्थितियों के चलते अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक घर की छत पर अपने साथ लाई गई सीढ़ी लगाकर छत पर रह रहे 33 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया तथा शोर होने पर अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला नई आबादी कटरा निवासी शोभित वाजपेयी पुत्र धर्मदत्त वाजपेयी उम्र 33 वर्ष अपनी पत्नी व 1.5 वर्षीय पुत्र के साथ मकान की छत पर बने कमरे में सो रहा था। हमलावर और मृतक में कुछ देर के लिए एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी होती रही, किंतु हमलावर के हाथ में धारदार हथियार होने के चलते उसने मृतक पर कई बार ताबड़तोड़ हमला कर नृशंस पूर्वक हत्या कर दी। वहीं शोरगुल की आवाज सुनने पर जब पत्नी की आंख खुली तब तक हमलावर मृतक शोभित की हत्या कर मौके से फरार हो चुका था। वहीं मकान के निचले हिस्से में मृतक के पिता, माता व 30 वर्षीय छोटा भाई भी जग गए। माता व 30 वर्षीय छोटा भाई भी जाग गए। शोर होने पर मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं आनन फानन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में शोभित को परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक शोभित के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटनास्थल पर कोतवाली पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की पत्नी ने रोते हुए बताया कि केवल अकेला था, हमलावर अकेला व्यक्ति था जो हाथ में धारदार हथियार लिए हुए था। अब प्रश्न ये उठता है कि आधा दर्जन सदस्य परिवार में एक अकेला हमलावर आकर जघन्य हत्या कर सकुशल कैसे फरार हो सकता है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। ये घटना हुई है हमारे बड़े भाई शोभित वाजपेयी रात के 2 बजे से 2:20 के टाइम पे ये अज्ञात आदमी एक बाहर से सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ा था। उसमें जो है उसको पकड़ने चक्कर में वो धारदार हथियार से हमला किया, कई जख्म हुए बाएं साइड में, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और फिलहाल अभी तो इसके बारे में किसी दुश्मनी सुनी तो कोई पता है नहीं, और कौन था ये भी नहीं पता है। देखिए घटनास्थल का हमने मुआयना किया है और देखा है तो काफ़ी पहलुओं पे घर वालों से बात हुई है, उसके क्रम में पूरी जांच की जा रही है। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम के बाद क्या क्या चोट है वो भी स्पष्ट हो जाएगी। और घर वालों ने अभी प्रथम दृष्टया किसी से दुश्मनी आदि की बात नहीं बताई, परंतु वो काम करते थे, बाहर रहते थे, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी से कोई विवाद कभी हुआ हो, इस बात को भी जांचा जा रहा है। सभी पहलुओं पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो विवेचना है उसमें सभी पहलुओं पे जांच करने के बाद सचिव उसको निकाल। थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।